फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी और तीसरा दिन था। आज आखिरी दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े, बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और गजेंद्र शेखावत व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश आदि विशेष तौर पर शामिल हुए और सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्तित्व विकास, बूथ सशक्तिकरण व राष्ट्र के पुनर्निर्माण को लेकर अपने विचार रखे। वहीं शिविर में पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रशिक्षण शिविर में अपने संबोधन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज देश किस तरीके से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से सशक्त हुआ है। रक्षा क्षेत्र में बहुत सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो केवल भारत के पास हैं। लगातार आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साथ ही गजेंद्र शेखावत ने जगदीप धनखड़ को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई दी। जिस तरह से हम नई राइफल्स डेवलप कर रहे हैं, हम एंटी मिसाइल पार जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, जो दुनिया में आज न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज आज अमेरिका के पास में भी नहीं है, कुछ केवल अमेरिका के पास में, या कुछ अमेरिका, रशिया, एकाध देशों के पास में, वो आज भारत निर्माण करने लगा है। निश्चय ही एक कॉन्फिडेंस भी भारत की सेना में बढ़ा है और निश्चय ही एक नई ताकत भी उसके कारण से सज्जित है। हरियाणा बीजेपी के प्रयासों पर क्या कहेंगे सर? आपने राष्ट्रीय स्तर पर घूमते हैं, एक प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। और जिस बेहतरी के साथ में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर को आयोजित किया, जिस तरह के वातावरण में किया है, और सभी प्रतिभागियों ने जिस गंभीरता के साथ में विषय को सुना है, मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का अभिनंदन करना चाहता है। इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता को जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए प्रशिक्षित करते, धीरे धीरे उसमें नेतृत्व के गुणों का विकसित और विकास करते हुए उसको नेता से राष्ट्रीय नेता ऐसा बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जिसमें सामान्य आदिवासी परिवार में पली बड़ी बेटी वो देश की राष्ट्रपति बन सकती है, और सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुआ बेटा वो देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है, बूथ पर बैठने वाला सामान्य कार्यकर्ता वो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और चाय बेचने वाले का बेटा वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही किसान पुत्र करके कहा। वहीं प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र के समाप्त होने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता नीति का इस्तेमाल करके जन समस्याओं का निराकरण करना, विकास को सुनिश्चित करना मुख्य काम है। वहीं प्रदेश सरकार और संगठन की सराहना करते हुए तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अगुवाई में प्रदेश में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ पर बोलते हुए तोमर ने कहा कि वह बड़े अच्छे समाज सेवी हैं और पढ़े लिखे योग्य वकील हैं। उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी अच्छा काम किया है। जगदीप धनखड़ को बधाई देते हुए तोमर ने कहा कि वे निश्चित तौर पर विजयी होंगे। इस्तेमाल करके जन समस्याओं को निराकरण करना, विकास को सुनिश्चित करना और जन कल्याण करना, इस उद्देश्य के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यह कोशिश रहती है कि उसका कार्यकर्ता विचार से पुष्ट हो और जन कल्याण के लिए तत्पर हो। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से इस प्रकार के वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे हरियाणा राज्य के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत ही पुराने वरिष्ठ और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। अनेक उतार चढ़ाव का उनको अनुभव है और इसलिए इन वर्गों के माध्यम से योग्य रूप से कार्यकर्ता निर्मित हो, इस प्रकार की उनकी हमेशा कोशिश बनी रहती है। वो संगठनात्मक कार्यक्रम भी करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम भी करते हैं, और उनके नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार निरंतर रूप से हो रहा है और इस प्रकार के वर्ग विस्तार में भी योगदान देते हैं। जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जगदीप धनखड़ जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत योग्य वकील हैं
हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकालत किए, विधायक भी रहे हैं, राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन किया है और मैं समझता हूँ कि उनको एनडीए ने अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए बनाया है, वो निश्चित रूप से विजयी भी होंगे और उपराष्ट्रपति पद के दायित्व को भली प्रकार से निर्वहन करेंगे। मैं आपके माध्यम से जगदीप धनखड़ जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बता दें कि 15 जुलाई को भाजपा के इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ था। शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले चुनावों और संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।